हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड अ वॉर्म वेलकम इन आवर टुडेज क्लास दैट इज अबाउट द पोएम एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड दैट इज रिटन बाय थॉमस ग्रे. सो इन आवर टुडेज क्लास वी विल कंटिन्यू द पोएम वेयर वी लेफ्ट इन आवर लास्ट क्लास. ओके, so this is the first stanza which we will take in our today's class. Okay, so the first stanza is the boast of heraldry, the pomp of power, and all that beauty, all that wealth ever gave, awaits alike the inevitable how the paths of glory lead but to the grave. And this is the most important stanza of this elegy. ओके, सो द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री. हेराल्ड्री का मतलब होता है एंशियंट डिसेंट्स, ठीक है, पूर्वज हम कह सकते हैं. सो द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द पोम्प ऑफ पावर. पोम्प ऑफ पावर का मतलब होता है एक तरह से पावर जो होती है उसका एक तरह से झूठा दिखावा करना, ठीक है. द पोम्प ऑफ पावर एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेल्थ एवर गेव. And this is about all that beauty and all that wealth which people have awaits alike the inevitable hour. So all that beauty, all that wealth, all that boast of heraldry and all that pomp of power, all these things wait the inevitable hour. ठीक है, inevitable hour जो है यहाँ पर इसका मतलब है the hour of death. ठीक है, मौत का समय हम एक तरह से कह सकते हैं. तो मतलब ये है कि आपके पास में कुछ भी हो, ठीक है, चाहे आपके पास में एक gracious heraldry हो, ठीक है, आपका जो आपके जो ancient descendants रहे हैं, ठीक है, आपके जो पूर्वज रहे हैं, वो चाहे जितने भी पैसे वाले रहे हों या फिर आपकी चाहे कितनी भी कई बार कहते हैं ना कि हमारी जो विरासत है, हमारी जो पीढ़ी है वो बहुत नाम वाली रही है, ठीक है, इस तरह से, या फिर आपके पास में चाहे जितना भी पावर हो, ठीक है, आपके पास में चाहे ब्यूटी हो, चाहे आपके पास में कितनी भी वेल्थ हो, ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इनका जो एंड होता है लाइफ में वो कहाँ जाकर होता है, डेथ में, ठीक है. तो कहने का मतलब ये है कि चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, एंड जो है वो सभी का सेम वही होना है, ठीक है. हम सभी क्या किसका इंतज़ार करते हैं, उसी डेथ का इंतज़ार करते हैं, ठीक है. द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, ठीक है. और ये जो ग्लोरी के जो सारे रास्ते हैं, ठीक है, पाथ्स का मतलब होता है रास्ता. तो जो भी ग्लोरी के जो ये रास्ते हैं, दीज ऑल पाथ्स लीड अस टू द ग्रेव ओनली, ठीक है. ये सारे रास्ते हमें सिर्फ कहाँ लेकर जाते हैं, ग्रेव तक लेकर जाते हैं, मतलब हमें डेथ की तरफ लेकर जाते हैं, ठीक है. तो इम्पोर्टेंट इस अर्थ में है ये स्टेंजा कि आपके पास में चाहे एक तरह से फिलोसॉफिकल स्टेंजा हम कह सकते हैं कि आपके पास में चाहे जो भी हो, ठीक है, चाहे आप सुंदर हो, चाहे आपके पास में बहुत पैसे हो, चाहे आपके पास में पावर हो, ठीक है, लेकिन फिर भी सभी का जो एंड है, ठीक है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, कैसा भी हो, सभी का जो एंड है वो क्या होना है, डेथ ही होना है, ठीक है. सो पर्संस हु आर प्राउड ऑफ देयर एंशियंट एंड हाई डिसेंट, पर्संस हु मेक अ डिस्प्ले ऑफ देयर अथॉरिटी, देयर अ पावर, पर्संस हु पजेस ब्यूटी और गुड लुक्स, ओके, एंड पर्संस हु एन्जॉय ऑल द प्लेजर्स दैट वेल्थ कैन बाई एंड वेल्थ कैन गिव दैम, ऑल दीज विल वन डे फॉल विक्टिम्स टू डेथ, ठीक है. सारी जो चीज़ें हैं वो किसकी विक्टिम्स बन जाएंगी, विक्टिम्स टू डेथ विच कैन नॉट बी अवॉइडेड एंड इट इज़ नॉट इन आवर हैंड्स दैट वी कैन अवॉइड आवर डेथ, ओके. ऑल द स्पेक्टिकुलर एक्सप्लॉइट्स ऑफ अ मैन और हिज मिलिट्री कंक्वेस्ट मस्ट अल्टीमेटली लीड बट टू द डेथ, ठीक है. कितना भी पावर हो या फिर कह सकते हैं चाहे जो हो जैसा भी हो, ठीक है, ऑल दीज पाथ्स लीड अस टू द ग्रेव, ठीक है. सभी रास्ते कहाँ की तरफ जाते हैं, ग्रेव की तरफ जाते हैं. सभी रास्ते हमें किसकी तरफ लेकर जाते हैं, डेथ की तरफ लेकर जाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट स्टेंजा है, नोर यू ये प्राउड इम्प्यूट टू दीज द फॉल्ट इफ मेमोरी ओवर देयर टूम नो ट्रॉफीज रेज
वेयर थ्रू द लॉन्ग ड्रॉन आई एंड फ्रेटेड वॉल्ट द पीलिंग एंथम स्वेल्स द नॉट ऑफ प्रेज नॉर यू ये प्राउड. ठीक है, ये जो प्राउड वर्ड यूज़ हुआ है, प्राउड में पी को कैपिटल लिखा गया है, तो ये जो प्राउड वर्ड यूज़ किया गया है ये प्राउड पीपल के लिए यूज़ किया गया है, वही प्राउड पीपल जिसकी बात पोइट ने इससे पहले वाले स्टेंजा में की है कि वो लोग जो झूठा दिखावा करते हैं अपनी ब्यूटी का, अपनी वेल्थ का, अपनी पावर का. ठीक है, सो नॉर यू ये प्राउड. ठीक है, यू प्राउड पीपल इम्प्यूट टू दीज द फोर्ट. तो तुम जो ये प्राउड पीपल हो, ठीक है, तुम इन ये जो गरीब लोग हैं, ठीक है, ये जो फोक पीपल हैं यहाँ के, उनको तुम ब्लेम मत करो. ठीक है, ओ यू प्राउड पीपल यू शुड नॉट ब्लेम दीज हम्बल मैन. ठीक है, ये जो फोक हैं, ये जो हम्बल पीपल हैं, इनको तुम ब्लेम मत करो, इनको तुम दोष मत देना. इफ़ मेमोरी ओवर देयर टूम्ब नो ट्रॉफीज रेज अगर उनकी मेमोरी में, अगर उनकी याद में कोई, यहाँ पे ट्रॉफीज़ का जो मतलब है वो मॉन्यूमेंट से लिया गया है, स्मारक एक तरह से, जो किसी की डेथ के बाद में उसकी याद में बनाए जाते हैं. सो इफ़ मेमोरी ओवर देयर टूम्ब नो ट्रॉफीज रेज अगर उनकी याद में उनके टूम्स के ऊपर कोई मॉन्यूमेंट्स ना बनाए जाएं, ठीक है, वेयर थ्रू द लॉन्ग ड्रॉन आइल एंड फ्रेटेड वॉल्ट. ठीक है, आइल का मतलब होता है पैसेज इनसाइड ओ चर्च. चर्च के दोनों तरफ लोग बैठते हैं और बीच में जो रास्ता होता है उसको आइल कहते हैं. एंड फ्रेटेड वॉल्ट, फ्रेटेड का मतलब है ऑर्नामेंटेड वॉल. ठीक है, जिस वॉल दीवार जिसके ऊपर ऑर्नामेंटेशन है, ठीक है, मतलब चित्रकारी बनी हुई है, डिज़ाइंस वगैरह बने हुए हैं. द पीलिंग, पीलिंग का मतलब होता है हाई साउंडिंग. ठीक है, तेज़ आवाज़ में. एंथम स्वेल्स द नॉट ऑफ प्रेज, तो कहने का मतलब ये है कि यू प्राउड पीपल, ठीक है, यू शुड नॉट ब्लेम दीज हम्बल मैन इफ़ देयर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स डिड नॉट इरेक्ट एनी स्टेचूज और अदर मेमोरियल्स अलोंग द लॉन्ग कॉरिडोर ऑफ द चर्च अंडर द आर्क्ड एंड ब्यूटिफुल कार्व्ड सीलिंग विच इकोज द हाई साउंडिंग सैकर्ड म्यूजिक ऑफ द कोयर. ठीक है, मीन्स तुम जो ये प्राउड पीपल हो, ठीक है, जो अपनी तुम वेल्थ में और ब्यूटी में और इन सब में तुम इन सब चीज़ों का तुम झूठा दिखावा करते हो, तो तुम्हें इन ये जो हम्बल पीपल है उनकी मजाक नहीं बनानी चाहिए, उनको ब्लेम नहीं करना चाहिए. अगर इनके फ्रेंड्स ने और इनके रिलेटिव्स ने इनकी याद में, ठीक है, कोई मोन्यूमेंट ना बनाया हो या फिर इनकी याद में कोई एंथम ना गाई गई हो, इनकी प्रशंसा में कोई गीत ना गाए गए हो, तो इसके लिए तुम्हें इनका इनकी मजाक नहीं बनानी चाहिए. ठीक है, इनको तुम्हें ब्लेम नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट स्टेंजा है, कैन स्टोरीड अर्न और एनिमेटेड बर्स्ट बैक टू इट्स मैंशन कॉल द फ्लीटिंग ब्रीथ कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट और फ्लैटरी सो द डल कॉल्ड ईयर ऑफ डेथ. ठीक है, अब पोइट जो है यहाँ पर एक तरह से क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि कैन स्टोरीड अर्न. स्टोरीड अर्न का मतलब है, अर्न का मतलब होता है एक तरह से अपन हिंदी में कह सकते हैं इसको कलश. ठीक है, सो कैन स्टोरीड अर्न, स्टोरीड अर्न का मतलब है एन ऑन ऑन विच देयर आर स्टोरीज रिटन. ठीक है, जिसके ऊपर एक तरह से अर्न के बाहर जो उसका बाहरी जो हिस्सा है उसके ऊपर कुछ स्टोरीज लिखी गई हैं. ठीक है, सो कैन स्टोरीज अर्न, तो ऐसा कोई अर्न जिसके ऊपर किसी की याद में कुछ बनाया गया है, ठीक है, कोई कार्विंग की गई है, कोई डिज़ाइन बनाया गया है. और एनिमेटेड बस्ट, एनिमेटेड बस्ट का मतलब है यहाँ पर लाइफ लाइक स्टेचूज कह सकते हैं. ठीक है, ऐसे स्टेचूज जिनको देख के ऐसा लग रहा है कि इनमें कोई लाइफ है. ठीक है, जीवंत कह सकते हैं एक तरह से. सो कैन स्टोरीड अर्न और एनिमेटेड बर्स्ट बैक टू इट्स मैंशन. मैंशन का मतलब यहाँ पर बॉडी से लिया गया है, हमारे शरीर से मतलब लिया गया है. बैक टू इट्स मैंशन कॉल द फ्लीटिंग ब्रीथ. फ्लीटिंग ब्रीथ का मतलब है यहाँ पर डेड एक तरह से. ठीक है, जो मर चुका है. सो क्या ये स्टोरीड अर्न जो है और क्या ये एनिमेटेड बर्स्ट है, ये जो लाइफ लाइक स्टेचूज हैं, ठीक है, वो क्या डेड जो पर्सन है उसकी बॉडी में वापस से एक तरह से सांस ला सकते हैं क्या? मींस जो मर चुका है, क्या उसकी याद में अगर हम कोई स्टोरी अर्न बनाते हैं या फिर कोई स्टेचू बनाते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या किसी मरे हुए इंसान को वापस ला सकती है, क्या सांसें वापस ला सकती है? तो एक तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल,
ठीक है, ये पॉसिबल है ही नहीं. नो मैटर हाउ विविडली आवर डेड मैंस लाइफ मे बी डेपिक्टेड ऑन एन अर्न और हाउ लाइफ लाइक द स्टेचू ऑफ अ डेड मैन मे बी, इट इज़ इम्पॉसिबल टू ब्रिंग बैक द डिपार्टेड सोल टू इट्स बॉडी. किसी भी तरह से ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक डिपार्टेड सोल को वापस से उसकी बॉडी में ला सकें. Can honor's voice provoke the silent dust or flattery through the dull cold year of death? Can honor's voice, अगर हम किसी को मरने के बाद में सम्मान देते हैं, ठीक है, so can honor's voice provoke the silent dust, तो क्या उनकी जो voice है, ठीक है, वो उस silent dust, silent dust का मतलब फिर से यहाँ पर वही लिया गया है, ठीक है, dead person से, तो क्या उसको वो provoke कर सकती है ऑनर्स वॉइस. और फ्लैटरी का मतलब भी प्रेज है यहाँ पर, प्रशंसा करना. और फ्लैटरी सू द डल कॉल्ड ईयर ऑफ डेथ, डल कॉल्ड ईयर ऑफ डेथ इसका मतलब भी डेड पर्सन से ही लिया गया है, ठीक है. तो आप चाहे किसी के मरने के बाद में प्रशंसा करो, कितनी भी प्रशंसा करो, कितना भी उसको सम्मान दो, ठीक है, कोई भी चीज़ उसको वापस नहीं ला सकती है और ना ही कोई भी उसकी प्रशंसा उसके कानों तक पहुँच सकती है, ठीक है. तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो अपनी प्रशंसा में कुछ भी सुन पाए, ठीक है, क्योंकि वो है ही नहीं. सो tributes, all the tributes paid to a dead man will not in the least stir his lifeless body and words of praise will not be heard by his deaf ears, ठीक है. कोई भी आवाज़, कोई भी प्रशंसा, कोई भी ऑनर कुछ भी उस तक नहीं पहुँचेगा आप, ठीक है. Perhaps in this neglected spot led some heart once pregnant with celestial fire, hence that the road of empire might have swayed or walked to ecstasy the living liar. Perhaps in this neglected spot is led. Perhaps, शायद हो सकता है. In this neglected spot जो word use किया गया है वो उस ग्रेवयार्ड के लिए यूज़ किया गया है, वेयर द पीपल लाई हु वर नेग्लेक्टेड इन देयर लाइफ्स, ठीक है, जिनको उनके लाइफ के टाइम में जब वो जिंदा थे उनको नेग्लेक्ट किया गया, ठीक है. सो परहैप्स इन दिस नेग्लेक्टेड स्पॉट इज लेड सम हर्ट वंस प्रेगनेंट. प्रेगनेंट जो वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया उसका मतलब फुल से लिया गया है, फुल विथ सेलेस्टियल फायर. सेलेस्टियल फायर का मतलब होता है एक तरह से हेवनली इंस्पिरेशन, ठीक है. ऐसी इंस्पिरेशन जो हमें कहाँ से मिलती है, हेवन से, ठीक है. सो परहैप्स इन दिस नेग्लेक्टेड स्पॉट इज लेड सम हर्ट वंस प्रेगनेंट विथ सेलेस्टियल फायर, तो हो सकता है. परहैप्स इन दिस अननोन और ऑब्सक्योर चर्च यार्ड देयर लाइज अ डेड मैन हुज हर्ट एट वन टाइम वॉज फुल ऑफ हेवनली इंस्पिरेशन. हो सकता है कि किसी समय में इस नेग्लेक्टेड स्पॉट पर अभी कोई ऐसा इंसान यहाँ पर दफन हो, ठीक है, जो अपने लाइफ के टाइम में अपने जब वो जिंदा था तब उसमें वाकई में कोई हेवनली इंस्पिरेशन हो, ठीक है. हैंड्स और हैंड जो वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पर, वो हैंड्स जो वर्ड का यूज़ किया गया है वो पर्सन से ही लिया गया है, ठीक है. सो हैंड्स दैट द रोड ऑफ एम्पायर माइट हैव स्वेड, ठीक है. और हो सकता है कि यहाँ पर ऐसा कोई इंसान रहा हो हु वॉज फिट टू रूल एज अ सॉवरेन ओवर एन अम्पायर, ठीक है, जिसके पास में वाकई में वो टैलेंट हो, ठीक है, कि वो किसी एम्पायर को रूल कर पाता, ठीक है. और वॉक्ड टू एक्सटेसी द लिविंग लायर, और हो सकता है कि यहाँ पर जो लोग जो बरीड है यहाँ पर जो दफन हो चुके हैं उनमें कोई बहुत अच्छा म्यूजिशियन भी हो. तो कहने का मतलब ये है कि हो सक ये जो नेग्लेक्टेड स्पॉट है, ये जो नेग्लेक्टेड चर्च यार्ड है जहाँ पर ये हम्बल मैन जो है उनकी ग्रेव्स बनी हुई हैं, तो हो सकता है कि इनमें कोई ऐसा इंसान भी रहा हो जिसके पास में हेवनली इंस्पिरेशन हो, जिसको अगर चांस मिलता, ठीक है, अगर उसके सर्कमस्टेंसेस उसकी हेल्प करते और अच्छा अगर उसको मौका मिलता तो वो कुछ अच्छा काम कर सकता था, ठीक है. ऐसा भी हो सकता है कि किसी के पास में वो टैलेंट हो, ठीक है, वो विजडम हो जिसके माध्यम से वो वहाँ पर किसी भी एम्पायर के ऊपर शासन कर पाता, ठीक है, या फिर कोई म्यूजिशियन भी बन सकता था. तो हो सकता है कि यहाँ पर जो लोग हैं अभी उनमें किसी के पास में बहुत ज़्यादा टैलेंट भी रहा हो, ठीक है. नेक्स्ट स्टेंज है, बट नॉलेज टू देयर आइज हर एम्पल पेस रिच विद द स्पॉइल्स ऑफ टाइम डिड नेवर अनरोल चिल पेन्योरी रिप्रेस्ड देयर नॉबल रेज एंड फ्रोज द जेनियल करंट ऑफ द सोल. But all the vast and rich and accumulated knowledge
ऑफ सेंचुरीज रिमेन्ड लॉक्ड इन देयर आईज, बट नॉलेज, उस नॉलेज की बात कर रहे हैं दैट दे हैड एक्वायर्ड इन देयर लाइफ टाइम, ठीक है. टू देयर आईज हर एम्पल पेज रिच विद द स्पॉइल्स ऑफ द टाइम डिड नेवर अनरोल, लेकिन वो जो नॉलेज था वो कभी भी अनरोल हो ही नहीं पाया, ठीक है, वो कभी बाहर आ ही नहीं पाया. स्पॉइल्स ऑफ टाइम जो वर्ड है यहाँ पर, इसका मतलब है वो सारा नॉलेज, ठीक है, दैट दे हैड अक्वायर्ड और एक्यूमुलेटेड इन द कोर्स ऑफ टाइम, जो उन्होंने समय के दौरान इकट्ठा किया था एक तरह से, ठीक है. चिल पेन्योरी का मतलब होता है एक्सट्रीम पॉवर्टी, ठीक है, बहुत ज़्यादा गरीबी. रिप्रेस देयर नॉबल रेस, तो उनकी जो पॉवर्टी थी, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी थी, उसने रिप्रेस कर दिया देयर नॉबल रेस एंड फ्रोज द जीनियल करंट ऑफ द सोल, और उनकी जो जेनरस जो इम्पल्सेस थी, उनकी जो तीव्रता थी, ठीक है, उसको भी क्या कर दिया, उन्होंने जमा दिया, एक तरह से फ्रोज कर दिया, ठीक है. मीन्स एक्सट्रीम पॉवर्टी विद इट्स चिलिंग इफेक्ट एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होता है गायब कर दिया एक तरह से. सो एक्सट्रीम पॉवर्टी विद इट्स चिलिंग इफेक्ट एक्सटिंग्विश्ड देयर होली और रिलीजियस एंथुसियाज्म एज वेल एज द वार्म एंड जेनरस इंपल्सिस ऑफ देयर हर्ट्स, ठीक है. मीन्स उनके पास में जो भी टैलेंट था उन सबको, उनकी जो एक्सट्रीम पॉवर्टी थी, उन सब ने उनके एंथुसियाज्म को, उनकी जो उत्साह था, उन सबको क्या कर दिया, एक तरह से ख़त्म कर दिया. नेक्स्ट स्टेंजा है, फुल मैनी अजैम ऑफ प्योरेस्ट रे सीरीन द डार्क अनफैदम्ड केव्स ऑफ ओशन बियर, फुल मैनी अ फ्लावर इज बोर्न टू ब्लश अनसीन एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस ऑन द डिजर्ट एयर. फुल मैनी अजैम ऑफ प्योरेस्ट रे सीरीन, सीरीन का मतलब है यहाँ पर ब्राइट, ठीक है. द डार्क अनफैदम्ड, अनफैदम्ड का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, अनमेजर्ड, ठीक है, जिसको हम नाप ना सकें. फुल मैनी अ फ्लावर इज बोर्न टू ब्लश अनसीन एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस ऑन द डिजर्ट एयर. मीन्स मैनी जेम्स हुवर ब्यूटिफुल एंड एक्सेप्शनली ब्राइट, ठीक है. जेम्स का जो मतलब यहाँ पर लिया गया है वो उन लोगों से लिया गया है, ठीक है, उन हम्बल मैन से मतलब लिया गया है. सो फुल मैनी अजैम ऑफ प्योरेस्ट रे सीरीन, बहुत सारे ऐसे जैम हुवर ब्यूटिफुल एंड एक्सेप्शनली ब्राइट लाई हिडन इन द डार्क डेप्थ ऑफ द बॉटमलेस ओशन, ठीक है. तो बहुत सारे ऐसे, अगर इसको हम वैसे मतलब निकालें तो इसका लिटरल मीनिंग है, इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम निकालें तो ऐसा है कि ओशन जो होता है, ठीक है, उसमें अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे जेम्स होते हैं, हीरे होते हैं, जिनको पहचान नहीं मिल पाती है और वो नीचे ही रह जाते हैं, ठीक है. उसी तरह से ये जो हम्बल मैन है वो भी सेम वैसे ही हैं, वो जैम थे, ठीक है, जिनके पास में वो टैलेंट था, विजडम थी, ठीक है, लेकिन उनको पहचान मिली ही नहीं, वो बाहर कभी आ ही नहीं पाए. ठीक वैसे ही जैसे ये जैम्स जो हैं वो अनमेजर्ड रह जाते हैं कहाँ पर, ओशन में, ठीक है. सो मैनी जैम्स हु वर ब्यूटिफुल एंड एक्सेप्शनली ब्राइट लाई हिडन इन द डार्क डेप्थ ऑफ द बॉटमलेस ओशन एंड मैनी ब्यूटिफुल फ्लावर्स ब्लूम इन द वाइल्डनेस वेयर नोबडी कैन ईदर सी देयर ब्लशिंग चार्म और स्मेल देयर स्वीट फ्रेगनेंस. ठीक वैसे ही बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो कहाँ पर होते हैं, डेजर्ट में होते हैं, ठीक है, मरुस्थल में होते हैं, जहाँ पर लोग जाते ही नहीं हैं, ठीक है. तो वो बोर्न होते हैं, मतलब ब्लूम होते हैं, बट अनसीन, लेकिन वो कैसे रहते हैं, अनसीन रहते हैं, हम उनको देख ही नहीं पाते, उनकी जो सुंदरता है, उनकी जो ब्यूटी है, हम उसको नहीं देख पाते, और उनकी जो स्वीटनेस है, उनकी जो ब्यूटी है, वो कहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है, डेजर्ट में ही ख़त्म हो जाती है. ठीक वैसे ही जैसे इन हम्बल मैन की जो विजडम थी, जो इनका टैलेंट था, वो यहाँ पर बिना के कोई उनको रिकॉग्नाइजेशन मिले ही, बिना कोई उनको पहचान मिले ही, उनका जो टैलेंट था वो भी यहाँ पर क्या हो गया, ख़त्म हो गया. ठीक उन्हीं जेम्स की जैसे, ठीक उन्हीं फ्लावर्स की जैसे, ठीक है. नेक्स्ट स्टेंजा है, सम विलेज हैम्पडन दैट विथ डॉन्टलेस ब्रेस्ट द लिटिल टायरेंट ऑफ हिज फील्ड्स विदस्टूड सम म्यूट इनग्लोरियस मिल्टन हियर मे रेस्ट सम क्रॉमवेल गिल्टलेस ऑफ हिज कंट्रीज ब्लड. सम विलेज हैम्पडन,
हैम्पटन, यहाँ पर जॉन हैम्पटन की बात की जा रही है, मीन्स परहैप्स देयर लाइज इन दिस विलेज चर्चयार्ड समवन हु वाज फियरलेस एंड ब्रेव लाइक जॉन हैम्पटन। ठीक है, मीन्स यहाँ पर इन लोगों में कोई जॉन हैम्पटन के जैसा ब्रेव और फियरलेस व्यक्ति भी हो सकता था। ठीक है, विथ डॉन्टलेस ब्रेस्ट, डॉन्टलेस ब्रेस्ट का मतलब है यहाँ पर फियरलेस हार्ट। सो सम विलेज हैम्पटन दैट विथ डॉन्टलेस ब्रेस्ट द लिटिल टायरेंट ऑफ हिज फील्ड्स विदस्टूड। मीन्स जॉन हैम्पटन जो थे उनके लिए ऐसा है कि जॉन हैम्पटन करेजियसली रिफ्यूज्ड टू पे द शिप मनी ड्यूरिंग द रेन ऑफ चार्ल्स द फर्स्ट, समवन लाइंग बरीड हियर माइट हैव डिफाइड क्रूल एंड अनजस्ट टास्क मास्टर इन द फील्ड्स। मीन्स चार्ल्स द फर्स्ट किंग जो थे उनके टाइम में जॉन हैम्पटन ने शिप मनी देने से मना कर दिया था एक तरह से, तो मतलब उनमें इतनी हिम्मत थी, इतना साहस था कि उन्होंने एक किंग को मना कर दिया था, ठीक है, कि वो शिप मनी नहीं देंगे। तो हो सकता है कि उनके ही जैसे हैम्पटन के जैसे ही यहाँ पर भी कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा ब्रेव और इतना ज़्यादा फियरलेस रहा हो। ठीक है, सम म्यूट इनग्लोरियस, म्यूट का मतलब एक तरह से अननोन से लिया गया है। ठीक है, म्यूट का मतलब यहाँ पर साइलेंट से लेंगे हम, सम म्यूट इनग्लोरियस, इनग्लोरियस का मतलब यहाँ पर अननोन, ठीक है, जिनको कोई पहचान नहीं मिली। सो सम म्यूट, कुछ यहाँ पर साइलेंट लोग, कुछ इनग्लोरियस, कुछ अननोन लोग, मिल्टन हियर में रेस्ट, सम क्रॉमवेल गिल्टलेस ऑफ हिज कंट्रीज ब्लड, मीन्स और देयर मे बी लाइंग बरीड हियर समवन हु पजेस्ड अ हिडन पोएट्रिक गिफ्ट इक्वल टू मिल्टन बट हुज गिफ्ट फाउंड नो अपॉर्चुनिटी टू शो इट सेल्फ। मतलब मिल्टन जो थे वो ऑफकोर्स ही वॉज एक्सट्रीमली टैलेंटेड बट ही डिड नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू शो इट सेल्फ। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि मिल्टन बहुत कम एज में एक तरह से ब्लाइंड हो गए थे, तो उनको उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई थी अपने पोएट्री गिफ्ट को दिखाने की। ठीक है, तो हो सकता है कि मिल्टन के ही जैसे यहाँ पर और भी कोई इतना टैलेंटेड व्यक्ति रहा हो। ठीक है, या फिर कोई यहाँ पर क्रॉमवेल के जैसे कोई टैलेंटेड व्यक्ति रहा हो। ठीक है, परहैप्स देयर लाइज हियर समवन हु अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसिस माइट लाइक ओलिवर क्रॉमवेल हैव प्लंज्ड हिज कंट्री इनटू अ सिविल वॉर एंड कॉस्ट हैवी ब्लडशेड। तो कोई क्रॉमवेल के जैसा भी रहा हो जिसने एक तरह से अपने ही कंट्री को युद्ध में डाल दिया था, ठीक है, वॉर में डाल दिया था, और हु कॉस्ट हैवी ब्लडशेड, और वो कारण बना था अपने देश में एक तरह से हैवी ब्लडशेड का। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर हैम्पटन, मिल्टन और क्रॉमवेल के जैसे लोग भी हो सकते थे अगर उनके बेटर सर्कमस्टांसेस होते, अगर उनको बेटर चांसेस मिल पाते, तो वो भी वैसे ही प्रसिद्धि, वैसे ही फेम, वैसे ही ग्लोरी हासिल कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा है, द अप्लाउज ऑफ लिसनिंग सीनेट्स टू कमांड द थ्रेट्स ऑफ पेन एंड रूइन टू डिस्पाइज टू स्कैटर प्लेंटी ओवर अ स्माइलिंग लैंड एंड रेड देयर ट्री इन अ नेशंस आईज। सो द अप्लाउज ऑफ लिसनिंग सीनेट्स, सीनेट्स का मतलब यहाँ पर पार्लियामेंट से लिया गया है। सो द अप्लाउज ऑफ लिसनिंग सीनेट्स टू कमांड मीन्स देयर हम्बल डेस्टिनी डिड नॉट अलाउ देम टू एड्रेस पार्लियामेंट्स एंड विन अप्लाउज विद देयर ब्रिलियंट ऑरेटरी। ठीक है, मीन्स उनको वो चांस भी नहीं मिल पाया कि वो किसी पार्लियामेंट में बैठते, किसी पार्लियामेंट को वो एड्रेस कर पाते। ठीक है, और लोग उनकी प्रशंसा में, लोग उनकी प्रेस में तालियां बजाते। सो द अप्लाउज ऑफ लिसनिंग सीनेट्स टू कमांड देते वो, द थ्रेट्स ऑफ पेन एंड रूइन टू डिस्पाइज, नॉर वर दे इन अ पोजिशन टू डिफाई थ्रेट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन फ्रॉम एनिमी नेशंस। मीन्स किसी पड़ोसी राज्य ने अगर उनको धमकी दी होती तो वो उस धमकी का जवाब दे पाते। ठीक है, ऐसा उनको चांस नहीं मिला, बट ठीक वैसे ही टू स्केटर प्लेंटी ओवर अ स्माइलिंग लैंड एंड रीड देयर हिस्ट्री इन नेशंस आईज, मीन्स लाइकवाइज देयर हम्बल पोजिशन prevented them from exerting themselves for the happiness and prosperity of their country and reading in the eyes of their nation that look of contentment and joy
विच इज़ अ प्रूफ ऑफ द सक्सेस विद विच द लीडर्स हैव गवर्न देयर कंट्री। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उनकी सरकमस्टांसेस ने उनको ये मौका नहीं दिया कि वो किसी पार्लियामेंट को एड्रेस कर पाते, ठीक है, और लोग उनकी प्रशंसा करते, या फिर वो अपने देश को अपने एनिमी नेशन से बचाते, अगर उनकी उनके भाग्य ने उनको इन सब चीज़ों से रोक दिया, तो उनके भाग्य ने उनको कुछ गलत करने से भी रोक दिया, ठीक है। सो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी का जो है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।